सो टूडेज चैप्टर इज पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स uh, और स्ट्रिंग आपको पता है कि हम कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं जिसमें करेक्टर्स uh, हो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हो तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ठीक है तो स्ट्रिंग में रीडिंग एंड कन्वर्टिंग दो तरह के हम काम कर सकते हैं इसमें और स्ट्रिंग uh, को इनपुट लेने के लिए आप लिखते हैं इनपुट uh, ठीक है और इसके बाद कोई मैसेज उसमें डाल दे तो वो आपसे इनपुट ले सकता है और वो किसी ना किसी ओके सो so, okay, so, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जैसे कि हमने लिखा नेम ठीक है और उसमें अगर आप इनपुट लेना चाहे तो लिखेंगे इनपुट ठीक है और यूजर से इनपुट लेना हो तो उसके लिए कोई मैसेज कर दें प्रिंट जैसे कि एंटर नेम फॉर तो वो अपने नाम एंटर करेगा सही है एंटर करें इसको तो ये अब आपसे आपका नाम पूछ रहा है नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कामरान तो ये एक स्ट्रिंग है एंटर किया तो ये सेव हो गया जाके नेम के वेरिएबल में अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहें तो आप लिखेंगे प्रिंट प्रिंट नेम तो ये 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 मेरा नाम जो था था इसमें सेव हो हो गया था, हो गया ठीक है और इस चीज को कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और दैट इज योर यू नो टेकिंग इनपुट और वो किसी ना किसी वेरिएबल में सेव होता है जाके जैसे कि इस नेम वेरिएबल में सेव हो गया था चंक इसने एंटर किया था चंक इसके अंदर सेव हो गया था चंक नहीं बल्कि चक ओके देन दूसरा इनपुट दिखाया इसने इनपुट एंटर और उसमें अगर कोई भी वो नंबर इनपुट करेगा जैसे इसने वन थाउजेंड एंटर किया और वो एप्पल के अंदर जाके स्टोर हो गया ठीक है और अगर एप्पल के में से माइनस करेंगे टेन तो एरर आ जाएगा एरर क्यों आएगा बिकॉज जो डेटा स्टोर हुई है ये नंबर वन हंड्रेड जो आपने एंटर किया है ये भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में के अंदर स्टोर होगा ये आपके पास नंबर uh, के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा सही है सो टू कन्वर्ट दिस नंबर इंटू स्ट्रिंग आपको इसके लिए इंट का फंक्शन याद होगा जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में उसके थ्रू आप इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हो तो जैसे कि मैं अगर ये सेम चीज यहाँ पे करके दिखाऊं आपको तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डेटा एक वेरिएबल है और यूजर को कहा कि एंटर एंटर नंबर फॉर एग्जाम्पल ठीक है इनपुट और इसको कहा मैंने एंटर नंबर ठीक है और उसको कहा नंबर एंटर करो एंटर किया तो ये डेटा के अंदर इनपुट हो जाएगा तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है वन हंड्रेड तो ये हंड्रेड स्टोर हो जाएगा डेटा के अंदर अब अगर मैंने लिखा प्रिंट फॉर एग्जांपल और मैंने लिखा डेटा माइनस ट्वेंटी तो अब मैं चाह रहा हूं कि हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस हो जाए लेकिन क्योंकि ये जो हंड्रेड है ये स्ट्रिंग के अंदर सेव हुआ है डेटा में जाके तो डेटा क्योंकि स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो स्ट्रिंग से

ड्रेड जो स्ट्रिंग के फॉर्म में था वो स्टोर हो गया है इंटीजर के फॉर्मेट में और अब अगर मैं लिखूं प्रिंट डेटा वन फॉर एग्जाम्पल और माइनस ट्वेंटी करूं इसको तो ये मुझे माइनस करके एटी दिखा देगा स्ट्रिंग से नंबर माइनस नहीं हो सकता तो इसलिए आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखते हैं और उसके अंदर डेटा टाइप पास करते हैं जो डेटा आपका होता है ये वेरिएबल जो था ये इसको पास किया यहाँ पे तो ये माइनस होके कन्वर्ट uh, होके इसके अंदर 100 जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में सेव हो गया पहले ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था इंटीजर के फॉर्मेट में ये नहीं था ठीक है तो ये यहाँ पे लिखा है वी वी टू रीड रीड डेटा 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 यूजिंग स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स के अंदर को करते हैं एंड देन पार्स कन्वर्ट द एज नीड और उसके बाद हम पार्स करते हैं कन्वर्ट करते हैं जिस तरह जिस फॉर्मेट में चाहिए इंटीजर में चाहिए फ्लोट में चाहिए बुलियन में चाहिए जैसे भी कन्वर्जन चाहिए हम करते हैं सो दिस गिव्स अस मोर कंट्रोल ओवर एरर सिचुएशन एंड और बैड यूजर इनपुट इससे फायदा क्या होगा क्यों स्ट्रिंग में इनपुट ले रहे हैं इससे फायदा ये होगा कि हम एरर से बच सकते हैं और हम इनपुट में यूजर जो गलत इनपुट देते हैं उससे बच जाते हैं तो हम कन्वर्जन अपनी मर्जी से करते हैं और इनपुट सिर्फ एक ही फॉर्मेट में लेते हैं और वो स्ट्रिंग ही है उसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में इनपुट हम नहीं लेते बाकी कन्वर्जन फिर हम लोग करते हैं उसके अंदर फिर कोई मसले होते हैं तो हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं तो इनपुट नंबर मस्ट भी कन्वर्टेड स्ट्रिंग्स तो अगर नंबर इनपुट करना है या strings अगर आपने इनपुट की है तो उसको लाजमी कन्वर्ट करना होगा नंबर्स के अंदर ठीक है उसके बाद स्ट्रिंग होता है कैसे है अगर हम इसकी स्ट्रिंग की फॉर्मेट देखें तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होता है कि आपने जैसे लिखा है यहाँ पे ऑरेंज ठीक है अगर इनपुट आपने लिया है ओ आर ए एन जी तो ये एक एरे बन जाता है ठीक है और वो एरे जो होता है वो आपका स्ट्रिंग का एरे होता है ठीक है और उसके जीरो पोजीशन पे ओ स्टोर है वन पोजीशन पे आर स्टोर है टू पोजीशन पे ए स्टोर है और थ्री पोजीशन पे एन स्टोर है फोर पोजीशन पोजीशन पे G है, पे जी e स्टोर स्टोर है है फाइव ई जावा के अंदर अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था एरेज में कि एरेज जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और उसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज होती है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू स्टोर होती है तो ये इंडेक्स नंबर ही है जैसे आपने ऑरेंज स्टोर किया किसी वेरिएबल में जैसे फ्रूट इक्वल्स टू ऑरेंज लिखा है तो ये जो फ्रूट का जो वेरिएबल है इसके अंदर ऑरेंज स्टोर हुआ है तो इसकी इसके अंदर ये कुछ इस तरह से स्टोर हुआ है क्योंकि इसमें छ करेक्टर हैं एक दो तीन चार पाँच छ करेक्टर हैं जीरो से स्टार्ट हुए हैं और फाइव तक ये स्टोर है वैल्यूज तो अगर मैंने लिखा है फ्रूट वन तो इसका मतलब मैंने क्या प्रिंट किया है आर को प्रिंट किया है दिस वैल्यू विल बी प्रिंटेड ठीक है अगर मैं लिखूं फ्रूट सिक्स फाइव तो फाइव का मतलब ये ई e को प्रिंट करेगा ठीक है ये जो वन लिखा है ये इंडेक्स नंबर कहलाता है ठीक है तो ये अगर आप करके देखना चाहें तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं इसको इफ यू कैन डू इट तो यहाँ पे लिखें जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ये कामरान प्रिंट हुआ था इफ यू रिमेम्बर नेम वेरिएबल में स्टोर हुआ था तो अगर मैं यहाँ पे लिखू प्रिंट ठीक है और ब्रैकेट में लिखूं फॉर एग्जाम्पल नेम वेरिएबल और इसकी मैं फर्स्ट पोजीशन को प्रिंट करना चाहता हूँ वन पोजीशन को टू को नहीं जीरो को नहीं बल्कि वन पोजीशन को अगर एंटर करूँ तो ये ए प्रिंट हुआ है ए क्यों क्योंकि कामरान में जीरो के ऊपर के है ठीक है वन के ऊपर ए है और टू के ऊपर एम है और फोर के ऊपर थ्री के ऊपर ए है और फा, आ, फाइव के ऊपर एन है ठीक है सो बेसिकली फोर के ऊपर एन है सो बेसिकली किसी भी इंडेक्स नंबर को प्रिंट करने के लिए

लेटर का एक वेरिएबल बनाया इसके अंदर आप प्रिंट करना चाहते हैं कि इसकी फर्स्ट पोजीशन इसमें सेव हो जाए तो जीरो है और वन के ऊपर आर है तो आर इसके अंदर स्टोर हो जाएगी ए जो लिखा है गलत आउटपुट दिया है 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 इसने ठीक ये मिस्टेक मिस्टेक अच्छा एक्स इक्वल टू थ्री एक्स का वेरिएबल बनाया उसमें थ्री वैल्यू स्टोर की है और आपने लिखा फ्रूट एक्स माइनस वन यानी कि थ्री माइनस वन तो क्या प्रिंट होगा ये डब्ल्यू के अंदर क्या सेव हो जाएगा थ्री जो है वो ये है ठीक है थ्री माइनस वन माइनस वन यानी के टू टू के ऊपर है ए स्टोर्ड तो w की वैल्यू क्या बन जाएगी ए और इसके अंदर ए प्रिंट होगा ये n गलत है ठीक है तो याद रखें ये करके भी देख सकते हैं अभी आप करके देखना चाहें तो ये करके देख सकते हैं देखिए मैंने लिखा x इक्वल टू थ्री ठीक है उसके बाद मैंने लिखा w इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल जो नेम वेरिएबल था हमारा उस वेरिएबल पे करते हैं नेम X minus one फॉर example ठीक है तो three minus one three minus one यानी two two पे कौन सा कैरेक्टर है ये देखें 0, ये 1, ये 2, यानी m m होना चाहिए ठीक है तो तो हो जाएगा w के अंदर तो अगर मैं print करूँ w को तो क्या प्रिंट होगा m प्रिंट हो गया देखें m प्रिंट हो गया ठीक है so तो ये वही चीज करके दिखा रहा है कहता है वी कैन गेट एट एनी सिंगल in इन स्ट्रिंग यूजिंग एन इंडेक्स स्पेसिफाइड स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है यस yes, संतोष सनोज सर इनमें इसमें ऐसा हो सकता है अगर ये पूरा ऑरेंज लिखा पड़ा है तो हम चाह रहे हैं कि ना फॉर सपोज हम जो पोजीशन है वो माइनस कर दें फॉर सपोज फाइव पे ई पड़ा है तो ई माइनस कर दें तो वो वो प्रिंट करे ओ आर ए एन जी ई नहीं प्रिंट करे ऐसा हो सकता है हाँ ये हो सकता अगर है फोर पोजिशन पे जी काटना चाह रहे हैं तो जी काट लें जी जी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो स्लाइड्स uh, हैं उस पर ये सब दिया हुआ है मैं नेक्स्ट नेक, थोड़ा आगे चले तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा वो ओके सो सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स स्पेसिफाइड स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट तो कहता है में आप नंबर बता दें तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपकी प्रिंट कर देगा पर्टिकुलर करेक्टर प्रिंट कर देगा uh, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर एंड स्टार्ट एट जीरो कहता है ये जो इंडेक्स नंबर है ये जीरो से स्टार्ट होता है और ये जरूरी है कि इंटीजर हो ठीक है इस इस जगह पे आप लोग कोई दूसरी चीज पास नहीं कर सकते स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर पास करोगे तो एरर आ जाएगा इस इस स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हो जीरो जितनी स्ट्रिंग होगी वहां तक आप नंबर्स पास कर सकते हो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते वन पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव तो एरर दे देगा ठीक है फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं दे सकते उसके बाद आए द इंडेक्स वैल्यू कैन बी एन एक्सप्रेशन दैट इज कंप्यूटेड तो इसके अलावा कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी दे सकते जैसे मैंने x माइनस वन दिया है तो तो ये एक्सप्रेशन है x plus 2 करता, x -5 करता करता तो कोई कोई ना नंबर कोई आता आउटपुट में तो एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं टू फार तो कहता है टू यू विल गेट पाइथन एर पाइथन का एरर आएगा इफ यू अटेम्प्ट टू इंडेक्स बियॉन्ड द एंड स्ट्रिंग यानी कि उसकी साइज के आगे अगर चले जाओगे तो एरर आ जाएगा तो ये देखें कामरान में कितने कैरेक्टर्स हैं एक दो तीन चार पांच पांच मतलब जीरो से लेके फोर तक ठीक है जीरो से लेके फोर तक तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं फाइव वैल्यू को जीरो से फोर के आगे चला जाता हूं मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कामरान और मैंने लिखा सेवन हालांकि सेवन पे कोई करेक्टर ही नहीं है ठीक है नेम सेवन लिखा है तो ये एरर दे देगा तो अगर आप इंडेक्स नंबर के आगे चले जाओगे बाउंड्री से आगे चले जाओगे अगर या पीछे चले जाओगे फॉर एग्जाम्पल जीरो से बिलो यानी माइनस वन दे दूं अगर इसकी जगह पे मैंने लिखा प्रिंट ठीक है और मैंने लिखा नेम और नेम यानी कि जिसमें मेरा नाम स्टोर है और मैंने लिखा माइनस वन ठीक है तो अगर मैंने माइनस वन लिख के एंटर किया तो इसने मुझे एन प्रिंट करके दिखाया इट मींस के एन एन क्यू प्रिंट किया प्रीवियस यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया इसने एन यानी कि इस तरफ से स्ट्रिंग को शुरू किया बेसिकली जीरो से लेके जीरो में आप कोई भी स्ट्रिंग दे दें इसको या जीरो से फिर उसकी जो बाउंड्री है वहां तक वैल्यू दे देंगे उसके आगे अगर जाएंगे तो फिर एरर आएगा ठीक है सो जैसे कि z जेड ओटी जॉट वेरिएबल बनाया उसमें ए बी सी स्टोर किया है ये है जीरो वन ये टू और इसने क्या प्रिंट किया है जॉट फाइव फाइव पे कोई वैल्यू है ही नहीं तो ये इसको एरर दे देगा कि आउट ऑफ इंडेक्स ठीक है तो ये इंडेक्स का एरर होगा ये एरर याद करने या आपको पहचानने में आसानी होगी एरर्स को तो ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज तो इसने लिखा है स्ट्रिंग की जो इंडेक्स दिए आपने वो आउट ऑफ रेंज है यानी कि ये फाइव आउट ऑफ रेंज है सो बी केयरफुल वेन यू कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स वैल्यू एंड स्लाइसिस तो जब आप इसकी इंडेक्स वैल्यूज दें तो इसमें थोड़ा ख्याल कीजिएगा उसके बाद है स्ट्रिंग हैव लेंथ लेंथ स्ट्रिंग्स की भी प्रिंट कर सकते हो उसके लिए लेंथ का लेंथ का का वेरिएबल फंक्शन यूज करेंगे जैसे कि मैं अगर ये नेम वेरिएबल जो बनाया है जिसमें कामरा स्टोर किया था एक और बना लेते हैं चलें मैं लिखता हूं नेम ठीक है वन नेम वन बन वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग स्टोर करते हैं जैसे सिंगल कोटेशन में भी दे सकते हो डबल में भी दे सकते हो आपकी मर्जी है कोई एरर नहीं आएगा मैंने लिखा दिस इज स्ट्रिंग ठीक है और मैंने इसको एंटर किया तो ये स्टोर हो गया अब अगर इसको मैं प्रिंट करूं प्रिंट नेम वन फॉर एग्जांपल तो ये देखें सॉरी नेम वन करना था मैंने नेम लिख दिया प्रिंट नेम वन ठीक है और ये देखें स्ट्रिंग दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट हो गया इसकी अगर लेंथ प्रिंट करनी हो लेंथ का मतलब है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं तो मैं लिखूंगा एल ई एन यानी कि लेंथ और इसमें मैं लिखूंगा नेम वन तो इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उतने तो प्रिंट हो जाएंगे तो कितने कैरेक्टर्स हैं फोर्टीन यानी कि फोर्टीन करेक्टर इसके अंदर है टोटल इसने मुझे बता दिया लेंथ आपको नंबर ऑफ लेंटर बताता है जैसे कि इसमें देखें एक दो तीन चार पांच छह इसमें तो अगर यहाँ पे लिखेंगे लेंथ फ्रूट फ्रूट ये वेरिएबल का नाम है जिसमें ऑरेंज स्टोर किया है हमने तो ये प्रिंट करेगा सिक्स ये देखें सिक्स प्रिंट हो गया सिक्स क्यों किया क्योंकि देर आर सिक्स करेक्टर इन दिस स्ट्रिंग तो द बिल्ट इन फंक्शन लेन एलियन ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का जो कि पहले से बना हुआ मिला है हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग string. String की लेंथ हमें देता है इसके बाद लेंथ फंक्शन जो है कहता है अ फंक्शन इज वी यूज आई फंक्शन टेक सम इनपुट एंड प्रोड्यूसेस यूस ये तो हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन आपसे एक इनपुट लेता है और आउटपुट में आपको कोई ना कोई आउटपुट दे रहा हो एक इनपुट या एक से ज्यादा इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट हमेशा एक देगा ठीक है सो बेसिकली इट कैन टेक्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट एज एन इनपुट एंड इट विल गिव यू आउटपुट एक आउटपुट आएगा जैसे कि ये ऑरेंज में कितने इनपुट हैं देखें एक दो तीन चार पाँच छः इनपुट हैं फॉर एग्जाम्पल और इसने length, एक वेरिएबल आपसे इनपुट लिया और उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट कर बता दिया आर्ग्यूमेंट एक इनपुट ली और एक आउटपुट आया सो ये बताने की जरूरत नहीं है लेंथ एक फंक्शन है और ये आपसे स्ट्रिंग लेता है और आउटपुट में आपको उसकी लेंथ बताता है अच्छा उसके बाद अगर आप किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखना चाहें वन बाय वन करेक्टर करके एक एक करेक्टर करके तो उसके लिए आप उसका कोड लिखें तो उसके लिए मैं एक छोटी सी स्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ ठीक है और उसके अंदर हम उसका कोड बनाते हैं छोटा सा तो जैसे कि ये नेम वेरिएबल है ठीक है और इसके अंदर हम लोग इसकी स्ट्रिंग बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्ट्रिंग ये बना दिया हमने और मैं चाहता हूँ कि ये जो टी एच आई एस जो है अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल का कोड फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वाइल और उसके बाद मैंने लिखा आ, मुझे इसको प्रिंट करके चलाना है तो मैं आ, ये ये वाला कोड सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझे पहले तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंडेक्स का ठीक है तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो ठीक है ये इस पर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद मैंने कहा इंडेक्स वाइल इंडेक्स वाइल इंडेक्स इज लेस देन जब तक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन रहे लेंथ जितने कैरेक्टर्स हो नेम के अंदर उतने ठीक है पहले ये लेंथ कैलकुलेट करेगा नेम के अंदर जितने भी करेक्टर्स उतने तो ये 14 असल में इधर आ जाएगा क्योंकि दिस इज स्ट्रिंग टोटल तो ये लेंथ इसके अंदर आ जाएगी सो इज लेस देन फोर्टीन बन गया समझ लो और उसके बाद आपने इसको प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे प्रिंट और आप करेक्टर्स को प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो लिखेंगे नेम ठीक है और उसकी जगह लिखोगे इंडेक्स तो ये इसकी इंडेक्स को प्रिंट करता रहेगा और उसके आगे अगर आप इंडेक्स भी प्रिंट करना चाहें तो लिखें इंडेक्स ठीक है और उसके बाद आप उसके साथ ये प्रिंट कराते जाए कोमा लगा दें ताकि ये दोनों प्रिंट होते रहें और उसके बाद आप इनके अंदर वैल्यू प्रिंट प्लस करते जाए तो लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन यानी कि हर बार वन प्लस करता जाए ताकि ये लूप जो है किसी न किसी जगह पे जाके टर्मिनेट हो जाए हमारा सो दिस इज हाउ इट वर्क्स उसके बाद आप इसको आ, प्रिंट करके देखना चाहते हैं कर ले प्रिंट कोई नो इशू लेट्स ट्राई इट इसको चला के देखें इसको मैं f5 प्रेस करता हूँ नाम पूछ रहा है फाइल का तो मैंने इसको कहा ये इसको सेव कर दो ठीक है और इसको रन करते हैं तो ये देखें ये कैसे प्रिंट हुआ है ये 0 पे t 1 पे h 2 पे i थ्री पे एस फोर पे स्पेस है 5 पे I है, 6 पे S, 7 पे है है और इस तरह से ये यानी तक इसने प्रिंट किया कोड दोबारा से देखें नेम के अंदर स्ट्रिंग सेव किया है दिस इज स्ट्रिंग इंडेक्स की वैल्यू जीरो रखी है और वाइल इंडेक्स यानी के इंडेक्स जब तक लेंथ से स्मॉल रहे ठीक है तो लेंथ कितनी है फोर्टीन करेक्टर्स और प्रिंट करके दिखाओ पहले इंडेक्स को प्रिंट करो यानी कि इसकी वैल्यू और उसके बाद नेम और इंडेक्स नेम की एरे की फर्स्ट पोजीशन जीरो पोजीशन फिर वन पोजीशन फिर टू पोजीशन फिर थ्री पोजीशन लूप चलता रहेगा और ये उसकी वन टू थ्री फोर फाइव पोजीशंस को प्रिंट करता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू फोर्टीन लेस देन फोर्टीन नहीं होती तो फोर्टीन इज लेस देन फोर्टीन होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा तो ये वही कोड यहाँ पे दिया हुआ है जो जैसे कि इसने लिखा है जीरो पे बी पे 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 ये ऑरेंज लिखा था ठीक है और इसी तरह से अगर इसने कोई दूसरा स्ट्रिंग स्टोर किया होगा तो ये इस तरह से प्रिंट हो सकता है सो so ये कहता है यूजिंग अ वाइल स्टेटमेंट एंड आइट्रेशन वेरिएबल एंड अ लेंथ फंक्शन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लूप टू टू लुक एट ईच ऑफ द लेटर इन द स्ट्रिंग कहता है हर एक करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं फाइल लूप के थ्रू और उसके लेंथ फंक्शन के थ्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं और एक एक करेक्टर को चाहे तो प्रिंट करके देख सकते हैं ठीक है ये किसी को क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करके पूछ सकता है ठीक है मैंने फिलहाल म्यूट किया हुआ है आप सबको उसके बाद लूप लूपिंग थ्रू द स्ट्रिंग्स किसी भी स्ट्रिंग को अगर लूप्स के थ्रू प्रिंट करना होगा तो आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं जैसे कि uh, ये लूप फॉर का है फॉर एक करेक्टर इन फ्रूट तो ये आपको एक एक करेक्टर भी करके प्रिंट करके दे सकता है जैसे ये कोड मैंने वाइल के थ्रू लिखा था ये सेम कोड मैं फॉर के थ्रू भी कर सकता हूं तो मैं लिखूंगा फॉर एक वेरिएबल बनाऊंगा एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज हेलो हाँ शकील अच्छा अरे अच्छा चलो ठीक है भला मैं करूंगा ओके ओके थैंक यू सो ओके फॉर लूप के थ्रू ये सेम चीज कैसे करेंगे तो लिखेंगे for, उसके बाद आप उसमें एक एक-एक बना लें, जो कि आपके लिए input करता जाए, in keyword लगा दें, प्रिंट दे, के, के अंदर सिंपल उस वेरिएबल को प्रिंट करा दें। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेटर उसमें एक एक लेटर इनपुट करके नेम से उठा के इसके अंदर रखता जाएगा और ये प्रिंट उसको प्रिंट करता जाएगा ये सेम काम जो ये लूप वाइल के थ्रू कर रहे थे ये वही काम हम फॉर के थ्रू कर रहे हैं सिंपल ठीक है कोई और डिफरेंस नहीं है इट्स वेरी सिंपल फॉर ईच का लूप जैसे जावा में था ना वही सेम चीज़ ये कर रहा है देखें ये देखें दिस इज स्ट्रिंग ये वाली चीज जो ये फॉर के थ्रू प्रिंट हुई है और ये वाली चीज जो ये वाइल के थ्रू प्रिंट हुई है अगर आप इसको डिलीट करना चाहो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो अब इसको रन करते हैं तो देखें ये वही सेम काम दिस इज ए स्ट्रिंग वाला इसके थ्रू हो गया इसमें अगर नंबर प्रिंट करना होता तो मैं इंडेक्स नंबर को इसके साथ लगा देता प्लस प्लस करके तो ये इसको भी प्रिंट करा देता तो ये वही काम अगर आप एक एक करेक्टर के उठा के इसके अंदर लेटर के अंदर रखते जाएं और लेटर को प्रिंट कराते जाएं तो ये एक एक करेक्टर जैसे ओ उठ के इसमें आ जाएगा फिर आर उठ के इसमें आ जाएगा फिर ए उठ के इसमें आ जाएगा फिर एन फिर जी फिर ए एक एक करेक्टर इसके अंदर आता जाएगा और ये इसको प्रिंट कराता जाएगा तो ये कहता है डेफिनेट लूप यूजिंग फॉर स्टेटमेंट इज मच एलिगेंट ये बहुत आसान है और ये अच्छा तरीका ये कहता है कि इसको करने का बेहतर तरीका वाइल के वाइल के बजाय इसको यूज करें तो ज्यादा सही है कह रहा है फॉर लूप ठीक है तो फॉर लूप जो है ये आइट्रेशन आपके लिए पूरी की कर देगा आपको टेंशन की बात नहीं है अच्छा ये सेम वाइल के अंदर किया हुआ है और ये सेम फॉर के अंदर किया है जो दोनों तरीके हैं जो इजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं ये दोनों तरीके आपको एक ही स्लाइड पे दिए हुए हैं ये फॉर के थ्रू और यही सेम कोड इसका वाइल के थ्रू दिया हुआ है ठीक है जो आपको इजी लगे वो आप करें उसके बाद काउंटिंग जैसे कि ये सेम कहता है कि एक ये सपोज करें कि स्ट्रिंग है ऑरेंज इसमें हमें काउंट करना चाहता हूँ कि टोटल ए कितनी बार आता है फॉर एग्जाम्पल ठीक है सपोज ओ आर ए आ गया ना ये एक बार ए आया एन जी ई आया उसके बाद अब ये ए कितनी बार आता है इस स्ट्रिंग में सपोज मुझे काउंट करना हो लूप चला के तो उसका ये कोड है कहता है फॉर लेटर इन वर्ड इफ लेटर इक्वल्स टू ए यानी कहता है कि लेटर अगर ए के बराबर हो तो काउंट के अंदर काउंट प्लस वन कर देना काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है जीरो है तो जीरो में वन प्लस करते रहना तो अगर इसमें चार पांच मरतबा ए होगा तो ये चार पांच मरतबा ए में वन वन प्लस करता रहेगा और आखिर में उसकी वैल्यू प्रिंट करा देगा ये मैं करके दिखा देता हूँ देखें बहुत आसान सी चीज इसने बताई है कहता है फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज स्ट्रिंग लिखा है ना अब इसमें देखें एस कितनी बार आ रहा है ये एक ये दो ठीक है और ये तीन अब सपोज कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती और उसमें मुझे पता लगाना होता कि कितनी बार एस इसके अंदर आया है तो मैं इसको कैसे काउंट करूँ मैं इसमें एक वेरियबल बनाता हूँ काउंट का फॉर एग्जाम्पल और उसको मैं कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट जीरो और यहाँ पे उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराता हूँ ठीक है तो मैं लिखूंगा इफ इफ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इफ लेटर लेटर अगर बराबर हो सपोज ए के ठीक है अगर ए के बराबर हो ए की बजाय मैं इसको एस फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा अगर वो बराबर हो एस के तो उसकी जगह क्या करता जाए काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करता जाए यानी कि काउंट के अंदर वन एड करता जाए उसके बाद आखिर में क्या करें काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दें तो ये काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो इसको मैं यहाँ पे इधर रखता हूँ तो पहले ये प्लस कर काउंट करता रहेगा आखिर में मुझे टोटल बताएगा कि कितनी मरतबा एस को इसके अंदर आ गया तो इसको रन करके चेक करते हैं तो ये आपको इजीली समझ में आएगा सॉरी इसके अंदर कॉलन लगेगा और ये इसके अंदर जाएगा तो मैं इसको टैप दबाता हूँ उसके बाद इसको रन करते हैं तो ये देखें कितनी बार ऐसा आया है तीन मरतबा आया है ये देखें ठीक है अगर इस, इसी के अंदर मैं मल्टीपल एस और लगा दूं फॉर एग्जांपल ये ये मैं कुछ और लगा देता हूं उसके बाद मैंने एस एस लिखता गया और फिर दोबारा कुछ लिख दिया अब इसमें चेक करते हैं कितनी मर्तबा है। तो देखें, मर्तबा एस आया तो देखिए बारह मरतबा एस यूज हुआ है कैसे पता चल रहा है ये क्या करता है ये इस स्ट्रिंग को उठाता है और इसका एक एक करेक्टर उठा के इस लेटर के अंदर डालता जाता है और लेटर को इसके साथ चेक करता है कि इफ लेटर इक्वल टू एस यानी कि अगर इसकी वैल्यू एस के बराबर हो तो वो काउंट के अंदर प्लस करता जाएगा अगर नहीं होगी एस के बराबर तो वो काउंट के अंदर प्लस नहीं करेगा okay, so I'm back. Okay, तो हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि अगर आपको मल्टीपल लेटर्स को भी सर्च करना हो तो भी इफ एक बार लगा दें दूसरी बार इफ लगाएंगे तो सो so, वो काउंट करके ही आपको दे देगा ठीक है सो आई होप क्लियर अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड्रेस करके पूछ सकते हैं ओके okay, नाउ uh, ये तो क्लियर है लूप लूप स्ट्रिंग्स को कैसे आइट्रेट uh, कर सकते हैं उसके बाद हम लोग जो है लुकिंग इन डीपर इन टू द थ्रू द सीक्वेंस इसको सीक्वेंस के थ्रू हाइट्रेट करता है कहता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एक एक करेक्टर करके आइट्रेट करता है तो सिक्स करेक्टर की स्ट्रिंग है तो पहले ओ उठाएगा फिर आर को उठाएगा फिर ए को उठाएगा जीके? फिर एन फिर जी फिर इस तरह कर इस so the, the each, uh, so एक एक करेक्टर को उठाता जाता है आइट्रेट करता जाता है यानी कि साइकिल में ऐसे घूमता है और एक एक करेक्टर को उठा के ये प्रिंट करता जाता है सो द ब्लॉक बॉडी ऑफ द कोड इज वंस ईच वैल्यू इन द सीक्वेंस तो एक एक मरतबा ये चलता है और एक एक लेटर को इसको प्रिंट के अंदर प्रिंट कराता जाता है द आइट्रेशन वेरिएबल मूव्स थ्रू द थ्रू ऑल द वैल्यूज इन द सीक्वेंस सो और जितने भी आपने उसमें करेक्टर दिए होते हैं कहते हैं एक एक करेक्टर को उठाता जाता है और उसको घुमाता जाता है और प्रिंट कराता जाता है सो so जैसे कि ये वेरिएबल ये इसने फ्लो चार्ट दिखाया है कि ऑरेंज को प्रिंट करना है तो ये एक करेक्टर को उठाता है ठीक है उसमें लेटर में डालता है और उसको प्रिंट कराता है फिर दोबारा चलता है फिर उसको उठा के इसमें वैल्यू में डालता है लेटर के अंदर फिर प्रिंट कराता है जब तक चलता रहता है जब तक के स्ट्रिंग खाली नहीं हो जाती जब ये ई के बाद यहाँ पहुंचता है तो उधर कोई करेक्टर नहीं होता तो डन हो जाता है तो ये बाहर आ जाता है ठीक so, है सो आई होप ये क्लियर है आपको सो मोर स्ट्रिंग ऑपरेशंस इसके अलावा स्ट्रिंग्स पे और क्या-क्या हो सकता है स्ट्रिंग के अलावा इसके अलावा स्लाइसिंग स्ट्रिंग कर सकते हैं यानी कि स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं हिस्सों में तो जैसे कि ये है मोंटी पाइथन दो इसमें लेटर्स हैं तो अगर एस के अंदर मोंटी पाइथन स्टोर किया है हमने और मैंने लिखा 0 टू 4 यानी कि जीरो से लेके चार तक जीरो पोजीशन से लेके चार पोजीशन तक जितने भी करेक्टर्स हैं वो प्रिंट करा दो तो इसने मोंट प्रिंट किया है तो देखें जीरो पे एम वन पे ओ टू पे एन थ्री पे टी फोर तक इसको प्रिंट करना था ठीक है यानी कि इधर इस पोजीशन तक तो ये जीरो से स्टार्ट किया और थ्री तक इसने प्रिंट कर दिया तो इसकी बाउंड्री फोर है यानी कि इसको ये प्रिंट नहीं करेगा बल्कि जीरो से स्टार्ट करेगा और उसके चार करेक्टर्स प्रिंट कर देगा जीरो से स्टार्ट करेगा और चार प्रिंट करेगा करेक्टर्स यहाँ पे लिखा है जीरो टू सिक्स वाला करेक्टर सिर्फ प्रिंट हो जाएगा पे पे क्या स्टोर स्टोर है uh, पे पी है तो पी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे लिखा है सिक्स टू ट्वेंटी यानी कि सिक्स से स्टार्ट करो और नाइनटीन तक प्रिंट करेगा ट्वेंटी उसकी एंड है तो क्योंकि इलेवन के बाद कोई करेक्टर ही नहीं है तो कोई प्रिंट नहीं होगा सिक्स प्रिंट करेगा और जितने भी करेक्टर ट्वेंट उसके आगे होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे तो ये करके दिखाता हूँ इसमें अगर आप इसको करना चाहें तो ये यही सेम आप यहाँ पे करते हैं तो ये सेम अगर चीज यहाँ पे लिखे तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाते हैं वी इक्वल्स टू और उसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज स्ट्रिंग वेरिएबल इन पाइथन फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया अब अगर इसके अंदर से मुझे प्रिंट करना हो कोई स्पेसिफिक वैल्यू जैसे मैंने लिखा बी जीरो कामा और मुझे अगर इसमें से प्रिंट करना हो जीरो कामा नहीं बल्कि कॉलन और सिक्स तक इसकी यानी कि फाइव तक वैल्यू प्रिंट करनी हो तो मैं अगर लिखू तो लिखा लिखे दिस इज आई प्रिंट हुआ सिर्फ तो ये एक दो तीन चार पांच छ करेक्टर सो so, जीरो से लेके फाइव यानी कि सिक्स करेक्टर प्रिंट हो गए सिमिलरली आपके पास अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं दूसरी वैल्यू देना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है वी और स्टार्टिंग वैल्यू आपने दिया है फाइव ठीक है कॉलन और आपने दिया है नाइन यानी कि एट तक प्रिंट करो इसको तो ये तीन करेक्टर प्रिंट कर देगा आपके लिए तो ये देखें ये फाइव सिक्स सेवन और एट यानी चार करेक्टर प्रिंट हुआ आई एस दो स्पेस चौथा तीसरा और एस चौथा तो बेसिकली फाइव से लेके नाइन तक इसने प्रिंट कर दिया सिमिलरली अगर मेरे पास स्ट्रिंग जो है मैंने लिखा है प्रिंट और इसके बाद मैंने लिखा वी और स्टार्टिंग वैल्यू बता दी सिक्स और आखिरी वैल्यू मैंने कर दी सो अब सो तो करेक्टर ही नहीं है टोटल तो बेसिकली सिक्स के बाद जितने भी करेक्टर होंगे सारे प्रिंट कर देगा ये आपके लिए तो ये देखें सिक्स से लेके कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया हंड्रेड तक तो डेटा थी नहीं तो ये यहाँ पे जाके रुक गया होगा एन के बाद यहाँ पे जितने भी करेक्टर बनते हैं उतने पे जाके ये रुक गया होगा ठीक है सो so, ये दिस इज हाउ इट वर्क तो कहता है वी कैन ऑल्सो लुक एट एनी सिलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग कॉलन ऑपरेटर द द द नंबर इज वन बियॉन्ड एंड ऑफ स्लाइस अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग तो कहता है uh, जो दूसरा वाला नंबर है ये वाला जिसपे फोर है या सेवन है यहाँ तक वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा अप uh, टू है वैल्यू लेकिन इंक्लूड नहीं करेगा उसको यानी कि फोर की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगा लेकिन अप टू फोर यानी कि थ्री तक इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा सो इफ द सेकंड नंबर इज बियॉन्ड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इट स्टॉप्स एट तो कहता है अगर आपने दूसरा नंबर उसकी रेंज से आगे दे दिया तो जहां तक उसकी रेंज होगी वहां तक प्रिंट करेगा उसके आगे नहीं जाएगा ये ठीक है तो बियॉन्ड स्टॉप uh, हो जाएगा उसके उसके बाद इफ वी लीव अदर ऑफ सेट नंबर अगर दूसरा साइड खाली छोड़ दोगे ये वाला जैसे कि यहाँ पे इसने खाली छोड़ दिया एट लिखा है और उसके बाद खाली छोड़ दिया है या इधर लिखो इधर इसने कुछ नहीं लिखा पहले साइड पे दूसरी साइड पे टू लिखा है तो ये स्टार्ट करेगा जीरो से लेके टू तक और इसका मतलब है एट से लेके जितनी भी स्ट्रिंग है वो कंप्लीट प्रिंट कर दो ऑल टू ऑल ठीक है इसका मतलब आपने उसको लेंथ नहीं बताई वो टोटल स्ट्रिंग एट के बाद टोटल स्ट्रिंग सब प्रिंट कर देगा और इसका मतलब है कि टोटल स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा जैसे आपने लिखा एस खाली साइड और खाली साइड तो इसका मतलब ऑल टू ऑल स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा आपके लिए ठीक है सो दिस इज हाउ इट वर्क सो इसको भी करके देख सकते हैं आप लोग जैसे मैं लिखूँ प्रिंट ओके okay, तो लेट मी ट्राई इट ये जो अभी बताई चीज़ आपको तो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा तो मैंने लिखा वी ठीक है एक ब्रैकेट स्टार्ट की कॉलन लिखा दोनों साइड कुछ नहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल और मैंने एंटर किया तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा ठीक है लेकिन अगर मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल वी वेरिएबल का नाम है और मैंने ब्रैकेट के अंदर यह आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी बल्कि सेकंड वैल्यू मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल फिफ्ट थर्टीन तो थर्टीन तक ये वैल्यू जीरो से स्टार्ट करेगा और थर्टीन तक वैल्यू प्रिंट कर देगा मेरे लिए ठीक है ये देखें दिस इज स्ट्रिंग का एंड तक प्रिंट किया क्योंकि ये थर्टीनथ करेक्टर है सिमिलरली अगर मैंने फर्स्ट वाली दे दी और लैस सेकेंड वाला नहीं दिया उसको तो ये फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और एंड तक चला जाएगा तो अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दे दी है फोर और उसके बाद एंड मैंने इसको नहीं बताया तो ये कंप्लीट करे फोर से शुरू करेगा और कंप्लीट वैल्यू प्रिंट कर देगा हमारे लिए सही है सो so बेसिकली uh, ये आपके पास स्लाइसिंग करने का तरीका है किस तरह से आप इसको स्लाइस कर सकते हो so, कहता है इफ वी लीव ऑफ फर्स्ट नंबर द लास्ट नंबर ऑफ द स्लाइस इट इज टू बी द बिगनिंग और द एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली तो कहता है अगर आपने शुरुआत वाला छोड़ दिया या एंड वाला अगर नंबर छोड़ दिया इसके अंदर से स्लाइसिंग के लिए तो वो सपोज करेगा कि आपने उसकी बिगनिंग या एंडिंग जो है वो आपने बताई दी बता दिया उसके बाद uh, plus operator जो है 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 ये concatenation के लिए use होता है, plus operator दो काम करता है, एक को को आपस में मिलाता है, characters को मिलाता यानी कि तो उसको आप concatenation कहते हैं और दूसरा प्लस ऑपरेटर नंबर्स को ऐड भी करता है टू प्लस थ्री प्लस फाइव लिखो तो ये एडिशन कहलाएगा तो एडिशन भी कर सकते हैं और कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं कॉन्केटिनेशन का मतलब है यू नो एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लूँ मैंने लिखा नेम फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू और मैंने इसमें लिखा कामरान सही है और इसको स्टोर कर दिया एक और वेरिएबल बनाते हैं नेम वन और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया फॉर एग्जाम्पल एक और नाम और मैंने अगर इन दोनों को ऐड कराना हो प्रिंट कराना हो अगर दोनों को तो मैं कॉन्केटिशन कर सकता हूँ जैसे मैं लिख सकता हूँ नेम ठीक है प्लस नेम वन तो प्लस यहाँ पे वो अर्थमेटिक वाला प्लस काम नहीं करेगा यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन करेगा मिला देगा एडिशन करा देगा यानी कि दोनों को कॉन्टिनेशन करा देगा तो अगर मैं इसको कहूँ एक वेरिएबल बना दू फुल नेम फॉर एग्जाम्पल और उसमें मैं देखना चाहूँ कि फुल नेम क्या स्टोर हुआ है तो मैं लिखता हूँ फुल नेम इक्वल्स टू नेम प्लस फॉर एग्जाम्पल नेम वन तो यानी कि नेम वन और नेम जो दो वेरिएबल बनाए एक में कामरान स्टोर है एक में अहमद स्टोर है दोनों फुल नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगे ठीक है दोनों को ऐड करेगा और उसके बाद दोनों स्टोर हो जाएंगे फुल नेम के अंदर तो अगर मैं फुल नेम को प्रिंट करूं तो बेसिकली ये प्रिंट करेगा कामरा इस तरह से सो आई होप इट्स क्लियर ये देखे लिखा ए इसके अंदर लिखा है हेलो ठीक है बी के अंदर हमने क्या किया ए प्लस देयर तो ये हेलो जो है ये देयर के साथ प्लस हो जाएगा तो ये प्रिंट हो गया हेलो देयर इस तरह से इसी तरह से सी इक्वल टू ए प्लस स्पेस फिर प्लस देयर तो ये A के साथ स्पेस देगा बीच में और उसके बाद देर आएगा तो ये देखें हेलो स्पेस आया बीच में और फिर देर आया इसमें देखें स्पेस नहीं था तो अगर स्पेस को भी डालना हो तो आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉन्केटिनेशन कराओगे तो ये ए के अंदर पहले स्पेस प्लस करेगा उसके बाद इसकी कॉन्केटिनेशन देर के साथ करेगा सो so लिखा वेन प्लस ऑपरेटर इज अप्लाइड टू स्ट्रिंग इट मीन कॉन्केटिनेशन दैट मीन्स की अगर आपने स्ट्रिंग के ऊपर प्लस अप्लाई किया तो इसका मतलब आप कॉन्केटिनेशन करना चाह रहे हो नंबर के साथ आप अगर प्लस यूज करोगे तो एडिशन करना चाह रहे हो स्ट्रिंग्स के साथ अगर प्लस यूज करोगे तो के करना चाह रहे हो जैसे यहाँ पे लिखा है banana, लिखा है है फ्रूट फ्रूट टू बनाना एन इन तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि क्या एन का वर्ड जो है वो फ्रूट के अंदर मौजूद है यानी कि वेरिएबल में मौजूद है तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा जैसे कि यहाँ पे करके दिखाता हूँ जैसे अगर मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ था ये रक, कामरान रखा था कामरान इसमें सेवे नेम के अंदर तो अगर मैं चेक करना चाहता के के हूँ या नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिखूंगा में लिखेंगे ए ठीक है इन के बाद आप बताएंगे वेरिएबल का नाम तो जैसे लिखा है नेम तो ये रिटर्न करेगा ट्रू तो ये कह रहा है ए जो है वो नेम वेरिएबल में मौजूद है तो अगर मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोटेशन में मैंने लिखा एल जो है क्या एल मौजूद है इसके अंदर तो इन लिखा और मैंने लिखा नेम ठीक है तो ये इसमें कहता है फॉल्स तो नेम वेरिएबल में एल मौजूद नहीं है सो बेसिकली स्ट्रिंग इन एज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन जो है ये आपको चेक करके बताता है किसी स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर मौजूद है या नहीं तो कहता है द इन की वर्ड ऑल्सो बी यूज टू चेक इफ टू सी इफ वन स्ट्रिंग इज इन अनदर स्ट्रिंग तो कोई एक स्ट्रिंग किसी के पूरा करेक्टर भी चेक हो सकता है सिर्फ एक करेक्टर नहीं बल्कि पूरी स्ट्रिंग भी चेक हो सकती है जैसे मैं इसको लिख कहता हूं, K -A -M जो है क्या ये इन नेम के अंदर मौजूद है तो ये इसके ट्रू इसने रिटर्न किया अच्छा अगर मैं इसको कहता हूँ क्या इसके अंदर मौजूद है नेम के अंदर तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स के इसके अंदर मौजूद नहीं है सो इन एक्सप्रेशन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स एंड कैन बी यूज इन एंड इफ स्टेटमेंट तो इफ के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप ठीक है तो अगर आपने ये चेक करना हो जैसे कि यहाँ पर ये चीज लगाई थी लेटर इक्वल्स टू एस तो अगर आप इसको इस तरह लिखते कि लेटर इन एन फॉर एग्जाम्पल ठीक है इन नेम ऐसे लिखता अगर मैं तो ये चेक करके बताता कि ये करेक्टर इसके अंदर मौजूद है या नहीं है कौन सा लेटर लेटर इसके इधर एक वेरिएबल बनाता लेटर का ठीक है फॉर एग्जाम्पल एल ई टी इक्वल टू इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के और ये इसको मैं कहता हूँ एल ई टी इन एन तो अगर ये एल ई टी यानी कि के अगर एन के अंदर मौजूद है तो काउंट प्लस प्लस करते जाओ अगर मौजूद नहीं है तो उसको प्लस ना कराओ तो ये इस तरह से मैं इसको काउंट करके चला सकता था लेट्स रन इट देखते हैं इसको ये रन करता है सो लेट लेट असल का इसका कोई शायद वेरिएबल है लेट तो बल्कि इसको लेट को यहाँ से ट्राई करते हैं शायद ये मैंने आगे रख दिया था तो ये देखें के इसमें जीरो टाइम है हेयर में मौजूद नहीं है लेकिन अगर इसके अंदर के दो तीन डाल दें फॉर एग्जाम्पल के इसमें दो तीन डाल देते हैं अब इसको रन करते हैं चेक हो जाएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। के सेवनटी थ्री टाइम्स सेवनटी थ्री टाइम्स क्यों क्योंकि ये लूप बार बार चला है तो इसलिए शायद इसने ये चीज़ काउंट कर दी है हमारे लिए सो बेसिकली काउंट के अंदर इसने ये चेक करना था इसको लेकिन इसने अच्छा ये काउंट करता है कि लेट इन बार बार इसको चेक कर रहा है कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं तो सेवनटी थ्री करेक्टर्स है टोटल इसमें इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर सेवनटी थ्री करेक्टर्स है तो ये लूप सेवनटी थ्री टाइम्स चला ठीक है और सेवनटी थ्री टाइम्स इसने ट्रू रिटर्न किया इसको ठीक है सेवन थ्री टाइम्स इसने इसने रिटर्न किया कि ये इसके अंदर के मौजूद है अगर एक भी के मौजूद ना होता तो ये इसको रिटर्न करता लेकिन अगर एक बार भी आपने इसके अंदर डाला तो जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उतनी मरतबा ये इसको प्रिंट करवाएगा कि कितनी मरतबा एक एक करेक्टर को चेक नहीं कर रहा बल्कि ये पूरी स्ट्रिंग में चेक कर रहा है कि के मौजूद है या नहीं कहीं भी हो तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा आपके लिए सो ये ये आपके पास इन लॉजिकल ऑपरेटर मौजूद है ये भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास यू कैन चेक लाइक इसने कहा इफ़ वर्ड इक्वल टू बनाना अगर वर्ड की वैल्यू बनाना हो तो प्रिंट करेगा ऑल राइट बनाना इफ वर्ड इज लेस देन बनाना यानि कि वर्ड की वैल्यू जो है वह बनाना से अगर स्मॉलर होगी तो ये प्रिंट कर देगा वर्ड यूर वर्ड कम्स बिफोर बनाना यानी कि बनाना से स्मॉलर एक छोटा वर्ड है, है यानी कि उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स कम है अगर नंबर ऑफ करेक्टर बनाना से ज़्यादा है तो प्रिंट करेगा यूर वर्ड कम्स आफ्टर द बनाना यानी कि उससे ज्यादा वर्डिंग है अगर uh, कोई इक्वल uh, है उसके तो प्रिंट करेगा ऑल राइट बनाना ठीक है बनाना के इक्वल है तो ये मैं करके भी दिखाता हूँ इसमें आपको फिर समझ में आ जाएगा शायद मैं भी अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगी फॉर तो एग्जांपल हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं फॉर एग्जांपल वी इक्वल्स टू इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं और वैल्यू उसके अंदर स्टोर करते हैं सपोज दिस इज स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है और ये फोर्टीन करेक्टर्स है अब अगर इसको मैं कहता हूं हमारे पास जो है, वो है to, example, अगर वो बराबर है दिस इज बनाना के दिस इज स्ट्रिंग दिस इज स्ट्रिंग अगर ये वी बराबर है दिस इज स्ट्रिंग है तो प्रिंट करा दो क्या प्रिंट कर दे प्रिंट करेगा मैसेज वी इज इक्वल टू या मैसेज कहते हैं मैसेजेस आर इक्वल फॉर एग्जांपल ठीक है मैसेजेस दोनों साइड बराबर है अच्छा अगर फॉर एल एलसेफ ठीक है एल सिफ मैंने कहा वी अगर स्मॉलर है फॉर एग्जांपल हमारे जो मैसेज है उससे तो प्रिंट करेगा फी अगर स्मॉलर है फॉर एग्जाम्पल दिस इज बनाना से दिस इज स्ट्रिंग से अगर तो ये प्रिंट करेगा फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करेगा कि आपका मैसेज जो है वो स्मॉलर है तो लिखूंगा मैसेज इज स्मॉल स्मॉल ठीक है इसको भी सिंगल कोट में रखना पड़ेगा उसके बाद आखिर में एल्स लगाते कि अगर वो स्मॉलर नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा तो प्रिंट करेंगे मैसेज एज लार्जर फॉर एग्जांपल ठीक है फिलहाल और उसको फर्स्ट टाइम ऐसे ही चलाते हैं जैसे यह है सो नाउ लेट्स तो पहले आया मैसेजेस आर इक्वल क्योंकि ये वैल्यू दिस और ये वैल्यू दोनों बराबर है अब मैं इसको दिस स्ट्रिंग को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसके दिस स्ट्रिंग सिर्फ दिस स्टोर करता हूँ अब क्योंकि ये दिस इज स्ट्रिंग बड़ा है और दिस उससे छोटा है तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए दिस इज इस है इसको रन करते हैं तो ये मैसेज इज स्मॉल प्रिंट हो गया ठीक है अब अगर इसको बड़ा कर दूं फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रिंग और उसके साथ ये हेलो भी प्रिंट कर देता हूँ आगे अब ये बड़ा हो गया मैसेज उससे साइज में तो ये आ गया मैसेज इज स्मॉल क्योंकि ये इसका नंबर ऑफ करेक्टर इंक्रीज हो गए एक सेकेंड दोबारा ट्राई करते हैं तो इसने प्रिंट कर दिया मैसेज इज लार्ज है सो बेसिकली कंपेरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं बताने का मकसद ये है कि ये इक्वल ऑपरेटर लेस देन ऑपरेटर ग्रेटर इफ एल्स के अंदर आप इस्तेमाल करके इनकी कंपेरिजन भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है जिसमें आप लोअर केस पे अपर केस में अपने करेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर मेरे पास कोई मैसेज हो जैसे कि इसके अंदर आते हैं हम वापस एक वेरिएबल बनाते हैं नेम और इसके अंदर मैं स्मॉल लेटर्स में स्टोर करता हूँ दिस इज स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल ठीक है और इसको मैं स्टोर कर दिया अब अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट और इसके साथ अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज कर दूं लोअर का तो यह मुझे उसको कन्वर्ट कर देगा लोअर लोअर करेक्टर के अंदर तो मैंने यहां पर लिखा नेम डॉट लोअर तो यह स्मॉल कैरेक्टर में दिखाएगा मैसेज मुझे ठीक है लेकिन अगर मैं लिखू प्रिंट और मैंने लिखा नेम और डॉट अपर अगर लिखा ठीक है तो यह अपर केस में कन्वर्ट कर देगा

अगर आपको लाइब्रेरी देखनी हो कि स्ट्रिंग की लाइब्रेरी कौन कौन से फंक्शंस मौजूद है स्ट्रिंग के तो आप लिखें कोई भी मैसेज ठीक है और डी लिखने के बाद अगर आप उसमें वेरिएबल पास कर दें तो ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं जो इसके अंदर लिखे हुए हैं जैसे ये लोअर फंक्शन था ठीक है इसी तरह से इसमें अभी मैंने आपको अपर फंक्शन भी दिखाया था तो ये देखिए ये अपर फंक्शन मौजूद है इसी तरह से ये इनकोड है काउंट करना हो ठीक है इसी तरह से इंडेक्स है ये इज स्पेस है स्पेस अगर चेक करना हो कि इसमें स्पेस इस मौजूद है तो इस इज स्पेस के थ्रू चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये लोअर है तो इज लोअर आपको बता देगा कि हाँ ये लोअर है या नहीं है ठीक है इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है ये एक एक करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं और फिर आप मुझे पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन हो तो कुछ इसमें स्लाइड्स में भी एक्सप्लोर करेंगे और कुछ आपने खुद ट्राई करना है किसी को कैपिटलाइज करना हो तो कैपिटलाइज यूज करोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा ठीक है तो वो जैसे सनोज अभी क्वेश्चन भी कर रहा था जिसका तो कैपिटलाइज लिखने से फर्स्ट लेटर आपका कैपिटलाइज हो जाएगा एंड विथ आपको बताएगा कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कैरेक्टर आखिर में एंड होता है ए से सपोज तो एंड आपको कन्फर्म करेगा कि ये एंड होता है ए से या नहीं होता फाइंड आपको फाइंड करके दे सकता है ठीक है बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं, इनकी यूजेज यहाँ पे लिखी हुई है जैसे ये रिप्लेस का फंक्शन है ये रिप्लेस करेगा पुरानी वैल्यू नई वैल्यू के साथ

तो मैं इसको करके दिखाता हूँ ये मैंने लिखा था दिस इज स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है देखें स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है लेकिन अगर मैं इसको करूँ प्रिंट और इसके साथ मैंने लिखा नेम डॉट कैपिटलाइज कैपिटलाइज ठीक है और इसको मैंने रन किया तो ये देखें टी कैपिटल में हो गया इसका सही है तो फर्स्ट लेटर विल बी इन द कैपिटल लेटर तो कैपिटलाइज बेसिकली कन्वर्ट करेगा कैपिटल में इसी तरह से सेंटर मौजूद है ये आपको सेंटर के लिए यूज होगा एंड विथ कन्वर्ट कंफर्म करेगा कि वो स्ट्रिंग एंड होती है उस पर्टिकुलर करेक्टर के साथ या नहीं फाइंड फाइंड करके देगा लेस लेफ्ट स्ट्रिप राइट स्ट्रिप ये भी मैं अभी करके दिखाता हूँ ये आगे यूजेज इनकी दी हुई है एक एक करके सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन तो फाइंड आपको जैसे आपने चेक करना हो कि बनाना में एन ए आता है या नहीं आता तो ये आपको रिटर्न करेगा कौन सी पोजिशन पे आता है जैसे बी ए एन ए तो ये कौन सी पोजिशन पर देखे मौजूद है एन ए जो है ये सेकेंड पोजिशन पे मौजूद है तो ये फ्रूट डॉट फाइंड लिखा और एन ए पास किया तो इसने बताया कि टू पोजिशन पे ये मौजूद है यहाँ पे लिखा हुआ है वी यूज फाइंड फंक्शन टू सर्च टू सर्च फॉर सब स्ट्रिंग विद इन अनदर स्ट्रिंग तो कहता है अगर आपने कोई स्ट्रिंग को सर्च करना हो तो फाइंड के थ्रू सर्च कर सकते ठीक है जैसे कि इस स्ट्रिंग के अंदर दिस इस स्ट्रिंग में मुझे सर्च करना है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैंने लिखा फाइंड और फाइंड के अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर स्ट्रिंग का वर्ड मौजूद है या नहीं है तो मैंने लिखा स्ट्रिंग एंटर किया बल्कि क्या करना था डॉट uh, लगाना था सॉरी तो मैंने वो जावा वाला पैटर्न यूज किया तो आप लिखेंगे uh, इसके अंदर हमने क्या लिखना था स्ट्रिंग का नाम है नेम उसके बाद लिखेंगे डॉट फाइंड और उसके बाद आप उसको बताएंगे किस चीज को सर्च करें तो मैंने लिखने मुझे सर्च करना है स्ट्रिंग को कि स्ट्रिंग कौन सी पोजीशन पे आता है तो ये मुझे बता रहा है कि एथ पोजीशन पे स्ट्रिंग है ये देखें ये स्ट्रिंग है ना जीरो ये वन टू थ्री फोर इस स्पेस फाइव सिक्स सेवन और ये देखें एट पे आपके पास स्ट्रिंग शुरू होता है तो ये 8 के ऊपर स्ट्रिंग मौजूद है तो इसने प्रिंट किया है एट ठीक है अगर नहीं मौजूद होगा तो कहता है रिटर्न करता है तो अगर आप इसको चेक करें तो इसके अंदर अगर यही सेम कोड में कॉपी ठीक है और इसको मैं कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको कंट्रोल वी किया और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वन कर दिया और उसको एंटर किया तो ये माइनस वन रिटर्न हुआ माइनस वन का मतलब कि ये इसमें मौजूद नहीं है तो कहता है रिमेम्बर स्टार्ट एट जीरो और स्ट्रिंग की पोजीशन जीरो से शुरू होती है। अपर केस करने के लिए आप लिखेंगे तो ये हेलो बॉब जो है ये प्रिंट हो जाएगा कैपिटल में। लोअर तो प्रिंट बेसिकली इसके अंदर ये हमें अपर केस या लोअर केस में प्रिंट करके देता है एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर में रिप्लेस कर देगा जैसे ये हेलो बॉब लिखा है तो आप ग्रीट से रिप्लेस करना चाहते हैं बॉब की जगह जैन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ग्रीट ये वेरिएबल का नाम है वेरिएबल डॉट रिप्लेस बॉब जैन तो बॉब रिप्लेस होके जैन बन जाएगा तो ये देखें, हेलो जैन प्रिंट हो गया तो पहले इसमें क्या स्टोर था हेलो बॉब अब ये रिप्लेस होके हेलो जैन बन गया जैन क्यों क्योंकि बॉब को रिप्लेस कर दिया आपने जैन के साथ तो यहाँ पे लिखा है द रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस फंक्शन इज लाइक सर्च And replaces replaces operation in a word processor. It replaces all occurrences. अच्छा, एक चीज याद रखियेगा तीन तो तीनों चारों मरतबा जहां जहाँ पे Bob लिखा होगा वहां वहां पे जैन replace हो जाएगा ठीक है तो ये अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज करना होगा तो फिर आपको उसकी इंडेक्स नंबर बताना होगा कि कहाको चेंज करना है तो जैसे ये ओ को रिप्लेस करना है एक्स के साथ तो ये इसने रिप्लेस कर दिया हेलो की जगह देखें x आ गया o की जगह x आ गया और बॉब की जगह भी x की जगह इसने o कर दिया x कर दिया o की जगह x कर दिया तो ऑल अकरेंसेस का मतलब है कि जितनी مرتبہ भी बॉब आएगा उतनी مرتبہ प्रिंट होगा जैसे o दो مرتبہ आया था ये देखें एक h l e l o डबल l o के o आया था ये रहा और दूसरा बॉब के अंदर o आया था ये देखें दो مرتبہ o था तो दोनों مرتبہ x इसको रिप्लेस कर दिया है तो किसी को एक مرتبہ रिप्लेस कराना हो तो वो फिर आपने उसको सोचना होगा थोड़ी बिजनेस लॉजिक इसकी लूप के थ्रू करा लें ताकि आप उसकी इफ कंडीशंस लगा के उसको रोक सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये सबको रिप्लेस कर देगा अच्छा स्ट्रिपिंग वाइज वाइट स्पेसेस वाइट स्पेसेस को अगर आप खत्म करना चाहते हैं ठीक है ये जैसे जैसे कि ये शुरू में स्पेसेस दिए हुए ये देखें ठीक है हेलो से पहले स्पेसेस हैं

लेकिन अगर आपने लिखा ग्री डॉट स्ट्रिप सिर्फ लिखा तो दोनों साइड के स्पेसिस खत्म करेगा जावा में इसका फंक्शन पढ़ाया था अगर याद हो ट्रिम पढ़ाया था ट्रम अगर याद करो तो ट्रिम के अंदर मैंने बताया था ना कि शुरू के और आखिरी के खत्म करने होते हैं तो हम ट्रिम यूज करते हैं तो इसमें तीन फंक्शन दिए गए लेफ्ट स्ट्रिप राइट स्ट्रिप और स्ट्रिप स्ट्रिप दोनों साइड के स्पेसिस खत्म करता है, तो है, strip, right strip, strip. करता है आर स्ट्रिप राइट साइड के खत्म करता है और एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से खत्म करता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में ठीक है उसके बाद प्रीफिक्सेस प्रीफिक्सेस आपका क्या करता है जैसे इसने लिखा है लाइन के अंदर प्लीज हैव अ नाइस डे और इसने है लाइन डॉट स्टार्ट विथ तो क्या ये लाइन जो है ये इसके अंदर प्लीज स्टार्ट होता है क्या इस लाइन के अंदर प्लीज शुरू में आता है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू ट्रू का मतलब स्टार्ट विथ आपको रिटर्न करता है ट्रू अगर इसके अंदर प्लीज शुरू में आता है तो ये रिटर्न करेगा तो ट्रू अगर प्लीज शुरू में नहीं आता तो ये तो रिटर्न करेगा फॉल्स अच्छा एंड विथ क्या करता है ठीक है P, small में P तो ये error, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि पी कैपिटल में ये देखें ठीक है अच्छा एंड विथ पी इसी तरह ही काम करता है तो लिखा है लाइन डॉट एंड अगर मैं डे को सर्च करना चाहूं क्या कि इसकी आखिर में डे आता है तो मैं लिखूंगा लाइन डॉट एंड तो ये चेक करके देगा कि डे उसके आखिर में आता है ना इफ डे कम्स एट द एंड ऑफ ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर डे इसके एंड में नहीं आता तो ये टर्न करेगा फॉल्स ठीक है जैसे कि इस चीज को चेक करने के लिए देखें इसने क्या किया एक ईमेल दी है इसने स्टेफन डॉट मार्कवर्ड डॉट ए डॉट डॉट ए डॉट ए डॉट जेड है ये कोई ईमेल एड्रेस है मुझे इसका ये वाला पार्ट चाहिए यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट चाहिए यू ये वाला पार्ट मुझे चाहिए यानी कि ट्वेंटी वन से लेके थर्टी वन तक कैरेक्टर ट्वेंटी लेके कैरेक्टर थर्टी वन तक यानी कि ये वाला पार्ट मुझे चाहिए जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको अगर मैं आपसे कहू मुझे निकाल कर दो तो कैसे निकालोगे इसका तरीका देखें कैसे किया है पहले डेटा स्टोर की फ्रॉम स्टेफन जनवरी फाइव ये पूरी स्ट्रिंग थी मेरे पास इसकी uh, पहले इस वाली पोजिशन को निकालना है एट द रेट वाली साइन को तो इसने क्या किया इसने लिखा एट पोजिशन एट पोजिशन एक वेरिएबल बनाया उसमें लिखा डेटा डॉट फाइंड एट तो इसकी पोजीशन बता देगा तो ये देखिए 21 इसमें स्टोर हो गया एट इसके अंदर एट पोजीशन के अंदर क्या स्टोर हो गया 21 उसके बाद एट के बाद का स्पेस Z के बाद स्पेस आएगा तो ये स्पेस है देखें तो इसने क्या किया इसने लिखा डेटा डॉट फाइंड स्पेस कॉमा एट एट पोजीशन यानी कि एट पोजीशन के बाद स्पेस कब आता है ठीक है इसको दोबारा समझें ये लिखा है डेटा डॉट फाइंड में से फाइंड करो स्पेस को कहा करना शुरू करो एट पोजिशन से यानी के 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 बाद 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 करना शुरू करो तो 21 के बाद space यहां पर आता है ये देखें 31 के बाद, इधर so, इसमें आएगा थर्टी वन स्टोर अब आप इसके अंदर से स्ट्रिंग कलेक्ट करना चाहते हैं जो get string using data eight position और उसकी आखिरी पोजिशन शुरुआत वाली पोजिशन और उसकी आखिरी वाली पोजिशन तो ये, देखें, ये UACT .AC हो गया पे इसको थोड़ा समझना मैंने एक्सप्लेन तो किया है लेकिन हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो या इसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा खुद भी so अगर the, uh, class, we'll so कल जो क्लास है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में ठीक है अच्छा पुराने पाइथन uh, के 2.7.10 वर्जन में uh, एक uh, जो है वो अगर आप टाइप लिख के इसको प्रिंट कराओगे तो यूनिकोड में प्रिंट करेगा आंसर टाइप लिखेगा यूनिकोड और अगर पाइथन 3.5 में इसको टाइप एक्स करोगे यानी कि किसी भी स्ट्रिंग के वेरिएबल की टाइप चेक करोगे तो क्लास स्ट्रिंग प्रिंट करेगा दोनों एक ही बात है कोई फर्क नहीं है पाइथन uh, के अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो यूनिकोड में होती है ठीक है दोबारा रिपीट करूँ इस स्लाइड का क्या मतलब है पाइथन uh, के जो 2.7 वर्जन है 2.7.10 इस वर्जन में अगर आप कोई भी स्ट्रिंग का वेरिएबल उठा लें ठीक है और उसके अंदर आपने टाइप एक्स लिखा अगर टाइप ए, टाइप और उसके अंदर वेरिएबल का नाम दिया तो ये प्रिंट करता है यूनिकोड ठीक है और अगर आपके पास पाइथन 3.5 या उसके बाद वाले कोई भी वर्जन है उसमें अगर आपने लिखा टाइप एक्स यानी कि वेरिएबल का नाम तो वो प्रिंट करता है क्लास स्ट्रिंग यानी कि वो स्ट्रिंग क्लास है तो स्ट्रिंग बेसिकली यूनिकोड में ही है तो स्ट्रिंग की सारी स्ट्रिंग्स यूनिकोड में आती है सो so, इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा पहले मैंने आपको स्ट्रिंग बताया स्ट्रिंग क्या होता है रीड करना कैसे रीड करते हैं एंटर का एक इसमें फंक्शन उसके थ्रू रीडिंग कर सकते हैं कन्वर्जन कर सकते हैं उसके बाद एरे की पोजिशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है स्लाइसिंग करने के लिए पोजिशन बताते हैं ठीक है लूप के थ्रू आप उनको हाइट्रेट कर सकते हो फॉर के थ्रू भी वाइल के थ्रू भी एक एक करेक्टर करके कॉन्टिनेशन मैंने आपको बताया कि प्लस के थ्रू करते हैं ठीक है उसके बाद स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस बताए थे स्टार्ट्स एंड उसके बाद लोअर अपर ये लाइब्रेरी थी कुछ वो आपको बताइए कंपेरिजन करने हो आपने तो कंपेरिजन के लिए मैंने ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो सर्च करने के लिए इन कीवर्ड बताया इन इन की के थ्रू सर्चिंग कर सकते हैं रिप्लेस का बताया रिप्लेस कैसे कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर और स्ट्रिप का बताया कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस शुरू के और आखिर के ख़त्म करने हो तो स्ट्रिप एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप यूज कर सकते हो ठीक है सो दैट्स इट ये लेक्चर खत्म हो गया है आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा चला के देखिएगा अगर क्वेश्चन होंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है